देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मारूबी के मुखिया दामोदर कुमार साहू मेरे साथ इस समय हैं, युवा लेकिन अनुभवी राजनीति के क्षेत्र में ये एक अनुभव रखते हैं। बात करते हैं दामोदर साहू जी से और लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया लोकसभा चुनाव 2024 संसदीय क्षेत्र कोडरमा और कुछ अन्य विषयों पर भी। मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंचायत में कुछ विकास का काम हुआ? पंचायत में अभी फंड बहुत ज्यादा एलोकेट हो नहीं रहा है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, लेकिन जितना भी फंड एलोकेट हो रहा है उसको हम सही उपयोग कर रहे हैं। जितना भी फंड आप लोगों को मिला है उसके हिसाब से आप अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 का चुनाव की अगर बात की जाए तो ये जो कोडरमा संसदीय क्षेत्र है, किस तरह की चर्चा चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव के विषय में? हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि बहुजन में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी आते हैं और सर्वजन में सभी लोग आते हैं। तो हमारे संविधान के अनुसार से बाबा साहब एक बात लिख के गए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही सेदारी, और इसी बात पर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया। लेकिन वो जिस व्यू को लेकर इस पार्टी का स्थापना किया था वो सही खड़ा नहीं उतर पाया, क्योंकि पहले वो था बहुजन समाज पार्टी और बाद में वो हो गया सर्वजन समाज पार्टी। जैसे कि हम इस उदाहरण के साथ कह सकते हैं कि पहले था तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, लेकिन जब मायावती बहुजन समाज पार्टी में कौन मिश्रा है, सतीश मिश्रा जब आ गए तो उनका नारा हो गया, वो मन से आह्वान हुआ था कि पंडित शंख बजाएंगे और हाथी चलता जाएगा, पंडे शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा। इसी को लेके उनका ऑब्जेक्टिव जब पूरा नहीं हो पाया तो एक वामसेव संस्था है जिसको कांशीराम साहब के ही द्वारा बनाया गया था, तो उन्होंने देख लिया कि वो गड़बड़ हो गया, उसका ट्रैक चेंज हो गया, तो उन्होंने बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी का स्थापना 2014 से किया है और 2014 से चुनाव मैदान में आया है। और अभी के समय में 436 सीटों पर पूरे भारत में बीएमपी चुनाव लड़ रही है। और तीसरी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, ये सांपनाथ दसेगा तू भी मरेगा, नागनाथ दसेगा तू भी मरेगा। ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ के द्वारा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का सत्यानाश हो रहा है, और जब तक ये दोनों पार्टियां रही तब तक होते रहेगी। जिस तरह से ब्रिटेन में अमेरिका में द्विदलीय चुनाव प्रणाली है, हमारे भारत में बहुदलीय चुनाव प्रणाली है, लेकिन ईवीएम आने के बाद क्षेत्रीय पार्टी को जो है वो उठने नहीं दिया गया, जिसके वजह से यहाँ भी दो ही पार्टी ने सीमित कर दिया है, चाहे तो आप बीजेपी से लड़ो चाहे तो आप कांग्रेस से लड़ो। और इसी को काउंटर करने के लिए और एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को हक और अधिकार दिलाने के लिए बीएमपी का गठन हुआ है, ये तीसरा विकल्प है, और भारत में कोई तीसरा विकल्प नहीं है जो ये बहुजन समाज को भलाई कर सके। चलिए, आपने बहुत कुछ कहा है, एक बात यहाँ पर सामने आ रही है, इस चुनाव में बीजेपी का प्रमुख जो चुनावी नारा रहा है वो अब की बार 400 पार, और इस तरह की चर्चाएं भी है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो संविधान जो है उसे बदल दिया जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो साफ कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो मैं स्टाम्प पेपर पर आपको बॉन्ड कर सकता हूं कि अगर ईवीएम में घोटाला किया तो वो 400 पार कर सकता है, लेकिन अगर ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ तो उसका सपना कतई पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी से पूरा भारत रुष्ट है। जिस तरह से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, मणिपुर में ही ये हुआ था, पूरा नंगा दौड़ाया गया था, महिलाओं का अत्याचार हुआ था, अभी न करप्शन रुका है न अत्याचार रुका है न शिक्षा के रास्ते में किसी तरह का बढ़िया सुविचार हुआ है न रोजगार के रास्ते में हुआ है न महंगाई के रास्ते में हुआ है। किसी भी लाइन पर ये लोग जो चुनावी मुद्दा को प्लेन पेपर पर लिख के देते हैं और बाद में नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कह देते हैं ये जुमला है, तो इस तरह के बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकती है भारत की जनता, और उसको 400 नहीं 200 पार भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव मैं ईवीएम में घोटाला किया तो वो 400 पार कर सकते हैं, बेशक, नो डाउट। चलिए, बहुत बड़ी बात यही है कि 400 पार का जो नारा बीजेपी का इस बार है वो एक नारा ही सिद्ध होगा यदि ईवीएम मशीन में घोटाला और गड़बड़ी नहीं की गई। मारूबी के युवा मुखिया दामोदर कुमार साहू हमारे साथ जुड़े थे और बहुत ही संक्षेप में बहुत ही सटीक और बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही है, देश के जो हालात हैं उसको वर्तमान
वेश में लाया है सामने और बहुत ही सटीक और गंभीर टिप्पणी जो है वो चुनावी पार्टियों को लेकर गई है और अपनी पार्टी की जो मुख्य विचारधारा है उससे भी हम सभी को अवगत करवाया है। धन्यवाद।